हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में एक्टर अविनाश मिश्रा देने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आपको मौका मिलता है वर्ल्ड में किसी के भी साथ डिनर पर जाने का, तो किसके साथ जाना चाहेंगे और क्यों? किसी के भी साथ डिनर जाने का जी, आई विल चूज नीना डोबरे, बिकॉज वो बहुत फेवरेट है मेरी, दैट्स व्हाई। ओके, सुबह उठने से बाद और रात में सोने से पहले वो पहली और आखिरी चीज़ क्या होती है जो आप करते हैं? Can I hear it again? सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले वो पहली और आखिरी चीज़ कौन सी होती है जो आप करते हैं? सुबह उठने के बाद I drink a lot of water. Okay. और सोने से पहले I read books और watch television. जी जी, ओके। अगर आपको मौका मिलता है मार्स पर जाने का, तो वो कौन सी तीन चीज़ें होंगी जो आप लेके जाना चाहेंगे अपने साथ? If I have to go on Mars, see, I definitely don't need my mobile. Okay. What I'll be needing is, I guess I'll take the mattress, ताकि मैं वहाँ पे आराम से सो सकूँ। The second thing would be my car with unlimited डीजल पेट्रोल वट एवर, ताकि मैं घूम सकूँ वहाँ पे। एंड थर्ड थिंग वुड बी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, दैट्स इनफ टू बी ऑन मार्स। ओके अविनाश, अगर एक रोज़ आप उठते हैं और अचानक से देखते हैं आप अपोजिट जेंडर बन चुके हैं, हाँ, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू सी द बॉयज रिएक्शंस। ओके, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? आई गेस क्रिकेटर होता, क्योंकि नेक्स्ट पैशन वही था। ओके, अगर आपको एक जिन्नी मिल जाए तो उससे कौन सी तीन विश मांगना चाहेंगे? थ्री विशेज, यू नो व्हाट, बहुत कम होंगी कितनी भी विशेज हों, तो ऐसा कोई विश मांग नहीं पाऊंगा यार, क्योंकि वो अनएंडिंग चीज़ें हैं, जो विश है ना वो अनएंडिंग है। उससे अच्छा है खुद से जो मिलता रहे, दैट्स इनफ। आई विल जस्ट से हाय जिनी एंड Have a happy life to you. That's it. Okay, last. आपकी life अगर एक novel होती तो इसका title क्या होता? अगर मेरी life? Novel होती. Novel होती तो? हाँ, तो title क्या होता? Keep chasing your dream. Okay, thank you. I hope आपको भी segment पसंद आया. Oh yeah, it was nice. Thank you so much, guys. इसी तरह की और भी videos के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Just Showbiz.